हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आई एम पूर्वा सिंह और आप सभी का ऑनलाइन तैयारी पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी की क्लासेस में मेनली डिस्कस कर रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, जो कि डाइवर्सिफाइड हैं बाकी के सेक्शन, सारे के सारे सेक्शन से हम लोगों ने कंबाइन करके मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो लेकर के आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के सेशन में हम लोग अदर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। नाउ ऑनलाइन तैयारी इज अ यूजर बेस ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा की हमारी पूरी फैमिली है, तो उन सब के लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, हार्दिक बधाई, क्योंकि आप सबकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। ऑन तैयारी प्लस को आप परचेज करिए अभी, 24 से लेकर के 28 फरवरी के बीच में एक्साइटिंग ऑफर चल रहा है। आप जीत सकते हैं पोको F1 फोन। सो चांसेस आपके पूरे हैं, शेयर करिए, मैक्सिमम टैग करिए हम लोगों को, टेस्ट दीजिए, एक्यूरेसी अपनी मैटर करिए, एक्यूरेट टेस्ट दीजिए, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, और आप जो है, आपको एक तो डिस्काउंट मिल रहा है 25% का तैयारी प्लस पे, और उसके साथ साथ एक मोबाइल फ़ोन जीतने का मौका। इससे पहले राम लखन ने जीता था हमारे ही प्लेटफॉर्म से एक लैपटॉप, सो नाउ मे बी यू कैन बी द नेक्स्ट। सो चलो अब बात करते हैं यूपीएससी की। तो आज यूपीएससी में हम लोग जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। क्वेश्चन नंबर 31, स्टूडेंट्स रिमेंबर 1 से लेकर के 30 तक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस मैं कर चुकी हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट 31st क्वेश्चन हमारा ये है मराठास के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, दे डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेपनरीज, ठीक है। जो मॉडर्न वेपन्स हैं, मॉडर्न हथियार हैं, उनके डेवलपमेंट में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। सेकेंड स्टेटमेंट, दे लैक्ड इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में लैक उनका इंटरेस्ट नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट ये कि दे डू नॉट हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके पास में वित्तीय आपके रिसोर्सेज नहीं थे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर द मराठा पावर्स, मराठा पावर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो राइट आंसर है वो है A 1 एंड 2 करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। 1 एंड 2 करेक्ट किस तरीके से हुआ, सबसे पहले कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है उनका ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि उनका जो इंटरेस्ट था वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में नहीं था, लैक कर रहे थे, तो वो एब्सोल्यूटली करेक्ट, क्योंकि उनका जो मेनली था पीजेंट्स में उनका मेनली जो इंटरेस्ट था किसान और खेती बाड़ी, इन सब चीज़ों में उनका ज़्यादा करके इंटरेस्ट था, ठीक है। और उनका मोर फोकस जो था कि वो लड़ाई करना, युद्ध करना, एनेक्स करना, ये सब चीज़ें उनका मेन फोकस रहा है, ट्रेड और इंडस्ट्री उनका फोकस नहीं रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दे डू नॉट हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो ये स्टेटमेंट गलत है, उनके पास में प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, बट उनके पास में जो कमी थी कि वो किस तरीके से इन चीजों को यूज करना है, उसकी मेनली कमी थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनमें से किस चीज से संबंधित है, किन स्थितियों से संबंधित है। पहला, लीगलाइजिंग विडो मैरिज, आपका विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। अगेंस्ट पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब हो गया आपका बहुविवाह। एडवोकेटिंग हायर एजुकेशन फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए उनके उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए, या फिर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इनमें से किन इंसिडेंट्स जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है आपका D 1 2 3 4, ऑल आर करेक्ट, इन सभी चीज़ों का जो रिलेशन है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है, ठीक। सो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका पीडीएफ आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके के और हिस्ट्री के आपको टेस्ट देने हैं तो उसके लिए भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
क्वेश्चन नंबर 33, चाइनीज ट्रैवलर ह्यूसान सांग केम टू द टाइम चंद्रगुप्त टू. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, चाइनीज पिलग्रिम फा सेन केम ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ हर्ष ऑफ कन्नौज. ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चाइनीज ट्रैवलर ह्यूसान सांग चंद्रगुप्ता के टाइम, चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आए थे, द्वितीय के टाइम पर आए थे, और चाइनीज पिलग्रिम फा सेन केम ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ हर्ष ऑफ कन्नौज. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूँ तो फा सेन जो है वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आया था. यहाँ पर जो ये पिलग्रिम की बात करी जा रही है, ये जो पर्सन है फा सेन, वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आया था. तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है. ठीक है, एंड पहला स्टेटमेंट जो है हमारा सान सिंह, ठीक है, वो हर्ष ऑफ कन्नौज के टाइम पर आया था. तो जो स्टेटमेंट है बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट. ठीक, यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ है, सान सांग स्वान सांग जो है वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आए थे, और फा सेन जो है वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आए थे, और स्वान सांग जो है वो हर्ष ऑफ कन्नौज के टाइम पर आए थे. सो इस क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है आपका सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट लेड टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? सबसे पहला, मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस मेड बाय द कंपनी ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट एंड द कंपनी वॉज फोर्स्ड टू अप्लाई टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर अ लोन. जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसके फाइनेंसेस, जो उसकी वित्तीय कंडीशन थी, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे, वो काफ़ी ज़्यादा खराब थे. उसमें मिसमैनेजमेंट था, जिसकी वजह से कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ा या लोन मांगनी पड़ी. सेकेंड स्टेटमेंट है, टू स्ट्रेंथन द कंपनीज आर्मी एंड कर्ब द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच कंपनी. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1973 को लेकर के? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, सिर्फ करेक्ट है. ये तो बात हम सभी को पता होगी कि मिसमैनेजमेंट था फाइनेंसिस का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में. ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है. सेकंड स्टेटमेंट ये है कि कंपनी की आर्मी, ठीक है, और जो फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच जो पावर्स आ रही थी, उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनकी राइजिंग जो कि वो बढ़ रही थी डे बाय डे, उनकी इन्फ्लुएंस इंडिया पे, उसको खत्म करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आया था. सो क्या करेक्ट है? तो इसमें सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ठीक है, क्योंकि जो फ्रेंच पावर थी वो 1760 वॉन्डी वॉश की लड़ाई के बाद ही वो फ्रेंच पावर्स कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी. ठीक, सो यहाँ पे आंसर इसका हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति का इनमें से कौन मेन कॉज रहा है? द किंग्स ऑफ कश्मीर एंड नेपाल हेल्प इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट, उसको कहीं ना कहीं दबाने में, रिवोल्ट को जो कश्मीरी पंडित्स थे, नॉट कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी जो राजा थे, नेपाल के जो राजा थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट वॉज मेनली फ्यूडल इन कैरेक्टर. यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है फ्यूडल, इसका मतलब हो गया सामंत. तो सामंतीवादी कैरेक्टर था इस रिवोल्ट का, इसलिए ये जो था बेसिकली कहीं ना कहीं फेल हुआ. या फिर थर्ड पॉइंट है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द अपराइजिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में अलग अलग अपराइजिंग हो रही थी, अलग अलग तरीके के विद्रोह देखने को मिल रहे थे, पर वो जो विद्रोह थे तो वो उनमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी. तो क्या इनमें से करेक्ट है? ठीक है, सो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, क्या इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 35 का. सो राइट आंसर जो है वो 1, 2 एंड 3 तीनों ही है. कश्मीरी और नेपाल के जो पंडित थे, उन्होंने दबाने की कोशिश करी थी रिवॉल्ट को, सामंतीवादी कैरेक्टर था रिवॉल्ट का. एंड थर्ड, इसकी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिवॉल्ट है वो फेल हुआ था. सो इसका आंसर जो है डी इज करेक्ट. ओके, सो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है. अगर क्लियर हो गया तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्लियर हो गया है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 36 हमारा बोलता है, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वॉज इनिशिएटेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। सेकेंड स्टेटमेंट है, द क्वीन अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद इन 1876 टू एम्फसाइज ब्रिटिश सोवरेनिटी ओवर इंटायर इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट जो है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हम इसको कहते हैं। तो ये क्या है कि ब्रिटिश जो भी कोई भी, अगर हम बोले तो कॉलोनी है, कोई स्टेट है, जिसमें जो उसका राजा है वो मर जाता है बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के, नेचुरली अगर कोई उसका पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, स्टेप फादर, स्टेप सन है और कोई है, तो उसको मान्य नहीं होगा, वो डायरेक्टली फिर ब्रिटिश के अंडर में पूरी की पूरी जो स्टेट है वो चली जाएगी। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहला स्टेटमेंट जो है हमारा कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है, वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इनिशिएट करी गई, स्टार्ट करी गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में मैं आप लोगों को बता दूं कि गलत है पहला स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो था 1857 के बाद स्टार्ट नहीं करी, कहीं ना कहीं वो रोक दी गई थी, ठीक है, अबांडन कर दी गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इसका करेक्ट है, 36 का बी जो है आपका करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द, यहाँ पे आंसर एक बार मैं लिख देती हूँ आंसर। स्टूडेंट्स जो पीडीएफ नीचे है उसमें आपको अलोंग विद आंसर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। तो अगर आपको यहाँ पे लाइक लास्ट वीडियो में थोड़ा सा कमेंट आए थे कि मैम आंसर साथ में दीजिए, तो मैं आंसर्स यहाँ पे बोल दे रही हूँ, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसके आंसर्स पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इनमें से कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1873 का फीचर था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस एंड नो राइट टू अपील, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 37, सो इसका राइट आंसर है दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी था इंग्लिश और वर्नाकुलर प्रेस में, और राइट टू अपील भी नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा विद्रोह भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आपका बोथ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38, व्हाई वाज मालवा एंड गुजरात कवेटेड बाय टर्किश रूलर ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। तो 13th सेंचुरी में उनको क्यों इतना प्रतिष्ठित किया गया था, मालवा और गुजरात को, तुर्की के जो शासक थे उनके द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट है, दीज एरियाज वर वेरी फर्टाइल एंड पॉपुलस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन मैं बोलूँगी इसकी थी और पॉपुलस थी, जनसंख्या काफ़ी थी। दे कंट्रोल वेस्टर्न सी पोर्ट्स एंड द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग देम विद गंगा वैली, एंड थर्ड इज इट सिक्योर्ड अ बेटर कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ हॉर्सेस टू द आर्मीज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट मालवास एंड गुजरात, जिनको टर्किश रूलर्स, तुर्की के जो रूलर्स थे उनके द्वारा काफी ज्यादा प्रतिष्ठित किया गया था। तो राइट आंसर है इसका डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वहाँ की जो खेती थी, जो जमीन थी, वो भी काफी ज्यादा उपजाऊ थी, पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा थी। जो अब गुजरात है, ठीक है, और आपका जो मालवा का एरिया है, तो वहां पे अगर हम इस तरीके से देखें तो जो वेस्ट के आपके सी पोर्ट से, तो वहां पे उनका काफी ज्यादा कंट्रोल था, ठीक है, जो जिससे उनको फायदा पहुंच रहा था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द पेंटर्स ड्यूरिंग अकबर, बासवान, दासवान, मंदसौर या फिर सनवलदास, इनमें से कौन सा पेंटर नहीं था? यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, वर नॉट द पेंटर, नॉट द पेंटर ड्यूरिंग अकबर, तो इसका राइट आंसर है सिर्फ सनवल दास जो थे वो पेंटर नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। 40th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सबसे पहला, ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर, सॉरी स्टेटमेंट नंबर टू, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स इन हिज रिलीजियस व्यूज, एंड ऑप्शन नंबर थ्री, ही डाइड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सो सबसे पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ही वॉज नॉट ऑर्थोडॉक्स एंड ही डाइड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, नॉट इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स दैट ऑल इन टुडेज सेशन. आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा. अपने फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू ऑनलाइन तैयारी. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एंड ये लाइक का ठीक है सिंबल है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो. और अगर डिसलाइक करें तो मुझे रीजन जरूर बता दीजिएगा कि क्यों डिसलाइक किया सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका ना दूँ. टिल देन कीप लर्निंग लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.